हेयर स्टाइल आपका लाजवाब है, कहाँ करा है? औरा में करवाया है भैया, क्या मजाक कर रहा हूँ। औरा में? अच्छा ये बताइए, आप पढ़ते हैं, औरा में इतना अच्छा हेयर स्टाइल करा था। एक चीज हम पूछेंगे, सिंपल सा सवाल है, क्यों मनाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी? मनाते हैं मतलब 15 अगस्त में आधा हुआ था, 26 जनवरी में आधा हुआ था। क्या आधा हुआ था? अरे अरे सुनो सुनो, क्या अरे क्या आधा हुआ था? आधा क्या हुआ था बताइएगा तब ना, हम जानना चाहते हैं आधा क्या हुआ था। 15 अगस्त को आधा आधा हुआ था और 26 जनवरी में क्या आधा निकल गया है? Amazing। हमारे जो राष्ट्रपिता को नहीं तो पता होना चाहिए। उतना क्या सुने, राष्ट्रपिता ना पता है? क्या हुआ था 26 जनवरी में? क्या 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 को मतलब हम लोग को पूरी तरह से आजादी मिल गया था। मतलब 15 जैसे कि 15 अगस्त से हम लोग आजाद हुए थे ना, लेकिन 26 को कोई मतलब पूरा तरह से फ्रीडम नहीं मिला था उस दिन, पूरा तरह से सबको फ्रीडम। मतलब फ्रीडम 26 जनवरी तक लटका हुआ था कहीं, उस दिन क्लियर हो गया? नहीं मतलब 15 अगस्त मिला था फ्रीडम, लेकिन थोड़ा बहुत जो पूरी तरह से होता है ना, मतलब कहीं कहीं फंसा हुआ। देश का राष्ट्रपिता कौन है? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? स्वतंत्रता दिवस जब सब फ्रीडम फाइटर लड़ाई करके छोड़ दिए थे, उसके बाद सब ब्रिटिश जब जाने लगे थे, इसलिए 26 जनवरी मनाते हैं। इसलिए 26 जनवरी मनाते हैं। फिर 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त उस दिन फाइनली बोल दिया था ब्रिटिश की हम लोग चले जाए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा है? देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, क्या हुआ था? और 26 जनवरी को क्या हुआ था पता है? संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार यादव। किस स्कूल में? +2 हाई स्कूल दफरा। क्या यहाँ करने आये हो? हाई जम्प हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। देश का राष्ट्रपिता कौन है? देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है? 26 जनवरी हम लोग स्वतंत्रता दिवस के लिए मनाते हैं और 15 अगस्त हम आजादी मिला था उस दिन। 15 अगस्त को आजादी मिला था और 26 जनवरी को क्या हुआ था? कुछ तो हुआ होगा ना। 26 जनवरी को मतलब स्वतंत्रता दिवस में क्या हुआ था? स्वतंत्रता दिवस संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। हाँ 26 जनवरी संविधान लागू हुआ था। अब्दुल सुभान ने? अब्दुल सुभान। घर? दपरा। दपरा। चार ऐसे देशभक्त का नाम बताओ जो आजादी दिलाने में प्रमुख। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम और भी थे, मोहम्मद शौकत अली। तो मिसाइल मैन थे। आजादी दिलाने में जिनकी भागीदारी रही थी वैसे चार व्यक्ति का नाम। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, दो रामदेव सिंह। रामदेव कौन? रामदेव बाबा? नहीं रामदेव सिंह पैट। हाँ। और एक मोहम्मद शौकत अली। चार तो हो गए बस। सही है। और लक्ष्मी भाई। नाम हुआ कुमार अंश। कुमार अंश। घर? घर दफरा। +2 हाई स्कूल दफरा से आए। +2 हाई स्कूल दफरा। 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या अंतर है पता है? अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? क्या हुआ था 15 अगस्त को? क्या हुआ था वो तो आते स्वतंत्र दिवस ही तो गणतंत्र दिवस। क्या हुआ था 15 अगस्त को? क्या हुआ था? क्यों मनाते हम लोग 15 दिवस? देश आजाद के कारण जो हुआ, देश जो आजाद जो हुआ था इसी के कारण। 26 जनवरी? 26 जनवरी भी उसी के अति खुशी में मना रहे हैं। उसी की खुशी में मना रहे हैं। जरा सोच के बताओ। हाँ उसी के खुशी में मना रहे हैं। मतलब देश आजाद होने की खुशी में 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं और 15 अगस्त भी देश आजाद होने की खुशी में मनाते हैं। नहीं नहीं
उसी के आधार पे रखा गया है। अच्छा, आधार पे रखा गया है। थोड़ा सोचो, सोचो ना, थोड़ा ना सोच पाएगा। क्या नाम हुआ? लग रहा है यहाँ पहुँच कर, गेम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कड़क, मतलब ताकतवर है सब। हाँ। सब मतलब बहुत मजा आ रहा है यहाँ। मजा आ रहा है, मतलब अपना कंपटीशन कर रहे हैं। आप किस गेम में हिस्सा लिए हैं? हम एथलेटिक्स। हाँ। अभी मेरा 200 वाला होने वाला है। हाँ। फिलहाल तो बॉयज का चल रहा है। हाँ। तैयारी कैसा है? मस्त है, सब लग रहा है कि स्वस्थ हो जाएंगे। अपने पर भरोसा है। अपने भरोसा है। अच्छा ये बताइए, 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर? 15 अगस्त को क्या हुआ था, 26 जनवरी में क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 को मतलब हम लोग को पूरी तरह से आजादी मिल गया था। मतलब 15 जैसे कि 15 अगस्त से हम लोग आजाद हुए थे ना, लेकिन 26 को कोई मतलब पूरा तरह से फ्रीडम नहीं मिला था उस दिन। पूरा तरह से सबको फ्रीडम, मतलब फ्रीडम 26 जनवरी तक लटका हुआ था कहीं, उस दिन क्लियर हो गया। मतलब 15 अगस्त मिला था फ्रीडम, लेकिन थोड़ा बहुत जो पूरी तरह से होता है ना, मतलब कहीं कहीं फंसा हुआ वो निकल गया है ना। सोच के बताइए। अच्छा वही डॉक्टर है ना। चले ऑल द बेस्ट, आप गेम में फर्स्ट लीजिए हमारे साथ। किस गेम में सर? कितना मीटर? 100-200। तैयारी चल रहा है? क्या लग रहा है? भरोसा तो है अपने अंदर कि जीतेंगे। हाँ। निकल जाएंगे सबसे आगे। हाँ। भरोसा है पर देखते हैं, कहीं टक्कर कहीं तो हम तो इतना ही मेहनत लगाएंगे ताकि हमको टक्कर दे सके। हाँ। अच्छा ये मतलब हमारे भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। गुड। अच्छा ये बताइए, 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त में क्या हुआ था, 26 जनवरी में क्या हुआ था? 26 जनवरी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो BMR का हम तब वो बनाए थे, और 15 अगस्त में हम लोग का देश आजाद हुआ। गुड। तो देखिए बच्चियां जो है पूरी तरीके से तैयार है, खेल से लेकर पढ़ाई तक जो है बच्चिया जो है पूरी तैयारी कर ली है। और हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल फर्स्ट आए और अपने स्कूल का और अपने झारखंड का गोड्डा जिला का नाम रोशन करें। देखिए क्या नाम है? संजीत कुमार। घर तो गोड्डा ही हुआ। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। किस स्कूल में? हम तो अभी देवघर में हैं। देवघर स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल में है। कौन से स्कूल में? तक्षशिला विद्यापीठ। यहाँ घूमने आए हैं? हाँ घूमने। कैसा लग रहा है गोड्डा? ठीक ठाक है। अच्छा नहीं है? ठीक ठाक है, अच्छा है, देखने लायक है। कल मेला है। हेयर स्टाइल आपका लाजवाब है, कहाँ करा है? औरा में करवाए भैया, क्या मजाक कर रहा है औरा में। अच्छा ये बताइए, आप पढ़ते हैं औरा में, इतना अच्छा हेयर स्टाइल करा था। एक चीज हम पूछेंगे, सिंपल सा सवाल है, 15 अगस्त में क्या हुआ था, 26 जनवरी में क्या हुआ था, क्यों मनाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी? मनाते हैं मतलब 15 अगस्त में आधा हुआ था, 26 जनवरी में आधा हुआ था। क्या आधा हुआ था? अरे अरे सुनो सुनो, क्या अरे क्या आधा हुआ था? आधा क्या हुआ था बताइएगा तब ना, हम जानना चाहते हैं आधा क्या हुआ था। 15 अगस्त को आधा आजाद हुआ था और 26 जनवरी को क्या आधा निकल गया है? अरे सही बताया, आप पता है कि नहीं पता है? मालूम है भैया। तो बताए ना, इनके साथ और एक दोस्त है, देखिए भाग क्यों रहे हैं, बताइए क्या हुआ था 15 अगस्त? 26 जनवरी में क्या हुआ था? वही हुआ था। दो बार की चीज हुआ था, नहीं पता? अच्छा इधर सुने ना, हमारे जो राष्ट्रपिता कौन है ये तो पता होना चाहिए। उतना क्या सुने, राष्ट्रपिता ना पता है, बड़ा समस्या है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ था 15 अगस्त में? उस दिन देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी में संविधान लागू हुआ था। क्यों? वेरी गुड। दे हमारे भारत का राष्ट्रपिता कौन है? सोनिया। क्या नाम है? राहुल। सर डोडरी। देखे डोडरी मास्क बता दो।
घुमा कहाँ जाएगा जी ऐसे तुम स्मार्ट कहाँ कौन सी टाइम हो रहा है दूसरे जगह जाना है अच्छा दूसरे जगह था ये बताओ 15 अगस्त में क्या हुआ था 26 जनवरी में क्या हुआ था क्या हुआ था 15 अगस्त में आज़ादी छब्बीस जनवरी में 26 जनवरी में